गुड इवनिंग गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत वही शाम से हो रही है, 6 बजे रखे हैं। हाँ टाइम भाई, नहीं 6:30 हो रखे भाई, 6:30। और आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल है, जो मेरी दीदी है ना, जिनकी शादी इधर हो रखी है हमारे ही गाँव में भाई, उनकी आज है एनिवर्सरी। 4 साल हो चुके उनकी शादी को, और मैं, मम्मी पापा, विराज और उनके हस्बैंड, मेरे चाचू ही लगते हैं नेक में, इधर गाँव के नेक में, ठीक है जी। और नाना हमारे घर पे आ रखे ना, तो हम जाने लग रहे हैं आज सोनीपत उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो दिखाएंगे जो भी होगा, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। ये रहा इधर सैमी, सैमी इतने दादी दादा के पास रहेगा कल तक, क्योंकि हम भाई आएंगे आज सेलिब्रेट करके, कल रुक के और कल आ जाएंगे हम। तो जी अभी मैं नहा लूँ, बाकी सब नहा लिए, बस मैं रह रखा हूँ एकला, तो मैं नहा लूँ एक बार, ठीक है। आई एम रेडी, शूज़ पहनूंगा अभी, एंड इट्स टाइम टू वियर माई न्यू शूज़। पहन के दिखाता हूँ भी कैसे लगेंगे। गाइस दैट्स माय आउटफिट, और ये मेरे भाई नए शूज़ आज पहली बार पहने हैं, और 7 बज चुके हैं, अभी जाने लग रहे हैं। ये दो, अंधेरा होने वाला है अभी थोड़ी देर में, ये लाइट जला दी है। गाइस इधर मम्मी भी रेडी हो चुकी है, और पापा रेडी होकर नीचे चले गए हैं, हम भी नीचे चल रहे हैं। बस डोला वाले पुल पे पहुंच चुके हैं, और मुरथल हवेली पे जाना है, मन्नत हवेली जो मुरथल में है, और 1 घंटा लगेगा अभी। भाई इधर ये फोटो शूट करा रहे हैं अपना, इधर फोटोज खींच रहे हैं, और बाकी सारे अंदर हैं। ये विराज अक्षित को ले रहे हैं। और मेरा तेरी काकी वाला गेट की तरह मैं को देखी जावे, तू मखा होते की डाल थोड़ी।
अंदर एंटर कर चुके हैं हवेली के, मतलब अंदर इधर खाना खुना खाते हैं और अब इधर केक काटेंगे। ये केक आ चुका है, ये है, अभी कट करेंगे, खाना खा लिया है। फिर भाई सारे बैठ चुके हैं और इकट्ठे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी, सब खाना पीना खा लिया है और केक भी काट लिया है। अब हम जाने लग रहे हैं, नाना है घर पे ही जाने लग रहे हैं, फोन की बैटरी लो है। अब ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू, राम राम सबको।